नवी मुंबई के रबाले में गरबा खेलने से मना करने पर हत्या करने वाले आरोपी को नवी मुंबई पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस उपायुक्त विवेक पानसरे के अनुसार आरोपी रबाले झोपड़पट्टी में चल रहे गरबे में नाचने के लिए गया था और वह उल्टे सीधे तरीके से नाच रहा था। इससे वहां डांडिया खेल रहे अन्य लोगों को तकलीफ हो रही थी। इसके बाद 3 लोगों ने उसे वहां नाचने से रोक दिया और पंडाल से बाहर भगा दिया। उस वक्त तो आरोपी वहां से भाग गया। अपनी बेइज्जती का बदला लेने के लिए सुबह करीब 4 बजे वहां आ गया और सो रहे 3 लोगों पर हथौड़े से हमला कर दिया, जिसमें एक व्यक्ति की मौत हो गई जबकि 2 अन्य घायल हो गए। पुलिस स्टेशन में दिनांक 27 को 302 के 307 के तहत एक गुना दाखिल है। इसमें फिरियादी जो है अभिषेक बालेराव और उसके साथीदार जितेंद्र पटवा, आकाश जायसवाल और रशीद खान, ये चारों लोग एक जगह रबाड़ी झोपड़पट्टी में दारू पीते पी रहे थे। उसके बाद रात को वो रास्ते से जा रहे थे तो दुर्गा माता देवी मंडल करके एक मंडल था, वहाँ पे जितेंद्र पटवा आरोपी ने गरबा खेलने की इच्छा व्यक्त की, लेकिन उसके साथ के जो साथीदार थे उन्होंने तुम अभी दारू पिए हो, अभी गरबा मत खेलो, ऐसे करके उसको वहाँ से लेके गए। वो सब उसके बाद घर जाके सो गए। दूसरे दिन सुबह उठ के जितेंद्र पटवा ने, ये उसके साथीदार जो सोए हुए थे, वो उनको एक लोहे के हथौड़े से उनके सर में मार के, जितेंद्र पटवा करके जो आरोपी है उसने उसके 3 साथीदारों को लोहे के हथौड़े से मारा। उसमें आकाश जायसवाल करके एक युवक की हत्या हो गई है, उसका खून हो गया। ब्यूरो इनपुट, EW नेटवर्क।